सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना मुश्किल है। अर्थात बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। कागज के नोटों से आखिर किस किस को खरीदोगे। किस्मत अजमाने के लिए आज भी सिक्का उछाला जाता है। आज का पंचांग 18 मार्च 2021 दिन गुरुवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 2:09 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 10:34 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 2:04 से 3:34 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:11 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर शाम 5:22 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। धनु राशि 18 मार्च 2021 दिन गुरुवार, आपके पिछले कुछ समय से अपने करियर तथा निजी जीवन संबंधित किए गए प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है। ऐसा घटनाक्रम बनेगा कि आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी। आपको प्रयासों और परिश्रम को आपके सीनियर ध्यान से देखेंगे और वे आपके जबरदस्त समर्थन भी बन जाएंगे। आपके दुश्मन आज असहाय अनुभव करेंगे। आज के दिन आपके लिए उत्तम लाभदायक रहेगा। यदि कोई कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो उसका आज अंत होगा और आपको विजय प्राप्त होगी। आज घर की उपयोगी वस्तुओं पर धन खर्च होगा, लेकिन आपको अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही धन व्यय करना होगा। यदि आज रुपए पैसे के लेन देन की सोच रहे हैं तो सावधानी बरतें, अच्छा आपके विरोधी परास्त होंगी। इस राशि वालों के लिए दिन व्यापारिक यात्रा को दर्शाने वाला भी रहेगा। कार्य क्षेत्र पर काम धंधे से संबंधित कोई यात्रा देखी जा सकती है। किसी दूर दराज की पार्टी से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिसके चलते आना जाना लगा रहेगा। ऑफिस में आपके नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों में सफलता मिलेगी और अधिकारियों से प्रशंसा भी मिलेगी। नौकरी पेशा वर्ग में किसी ऑफिशियल टूर के चलते कोई यात्रा देखी जा सकती है। कुछ कर्मचारियों को प्रमोशन भी किया जा सकता है। आज आर्थिक रूप से समय अच्छा रहेगा और कर्जों में भी आपको मुक्ति मिलेगी। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। किसी मेहमान या रिश्तेदार का आगमन हो सकता है। आपके द्वारा किए गए निर्णय से परिवार में सुख समृद्धि आएगी और माता पिता का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलेगा। सावधानियां, अच्छा आपको चोट लगने की आशंका लग रही है, अपना ख्याल रखें। पैसे का लेन देन करते समय ध्यान रहें। आज कोई भी कार्य में बड़ों की सलाह लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप एक नया संबंध बना सकते हैं। आप इसके बारे में काफी गंभीर रहेंगे और संभावना है कि यह लंबा चलेगा। आपका कोई खास आपको काफी प्यार करेगा और आप भी उसे प्यार करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं भी हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी इस संबंध की गहराई परखने के लिए सामने आएंगी। बात करते हैं करियर की। ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन के कारण एक नए ऊर्जा का संचार आप में हो सकता है। आप जीवंत महसूस करेंगे। आप में अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा आप में प्रबल होगी और तब भी आप खुश रहेंगे। इससे पता चलेगा कि चीजें सकारात्मक दिशा में
आगे बढ़ रही है, लेकिन इस उत्साह में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में रहता है। अपने सेहत का भी आपको ख्याल रखना होगा। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपको आराम करने की जरूरत है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन सोफे पर लेटे हुए जंक फूड खाते रहें। आपको आराम के लिए कुछ रिलैक्स करने वाली तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए या किसी प्रोफेशनल से मसाज करवानी चाहिए। अपने खाने का ध्यान रखें। आपको जंक फूड पसंद तो बहुत है, लेकिन वे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का और बारीकी से ध्यान रखना होगा। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ की पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।